बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हम बना रहे हैं स्वीट बटर घर पर, बहुत ही आसान से बन जाता है। तो आप देखते रहे मैं किस तरह बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने ले लिया, ये मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है, फ्रेश क्रीम है ये, और इसके साथ 2 से 3 चम्मच मैंने योगर्ट ले लिया, और ये 3 चम्मच तकरीबन 4 चम्मच मैंने शुगर ले ली। तो मैं इसको डालूँगी ग्राइंडर में। ये देखिए बटर मैंने डाला, साथ में मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 चम्मच योगर्ट और 3 से 4 चम्मच शुगर। और ये जो पानी में मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए आइसी वाटर में डाल रही हूँ, इसके अंदर आइस डली हुई है। बहुत ठंडा सारा पानी डालना है इसमें। ये देखिए मैंने इसमें ठंडा पानी डाल के और इसको बंद कर दिया। ये देखें ग्राइंडर में मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है, इसके अंदर मैंने बर्फ़ डाल दिया है। अब मैं इसको ये छन्नी में रख के और छान लूँगी। बर्फ़ से सारा इकट्ठा हो गया मक्खन। ये देखें ये हमारा बटर तैयार हो गया है। इसमें बर्फ़ के जो टुकड़े थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहे हैं, और ये देखें दही डालने की वजह से ये हमारा बटर कितना ज़्यादा निकला है। ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर उससे क्रीम से निकला है। और ये देखें इसकी जो लस्सी है ये भी मीठी और थोड़ी सी है, ये फ़ौरन अभी बच्चे पी लेंगे। और इस बटर को सेव करने का आसान तरीका ये है कि मैं पर डे के हिसाब से इसके अंदर जो बाकी थोड़ा बहुत पानी रहेगा ना, मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी, ये स्क्वीज़ हो जाएगा अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैं ये सब कि आप पर डे के हिसाब से जो है ना, मैं जितना बटर मेरा एवरीडे इस्तेमाल होता है मैं इस तरह के डब्बों में डाल लेती हूँ। ये मैंने डब्बे रखे हुए हैं, इनमें मैं भर लूँगी। एक डब्बा काफ़ी होता है मेरे एक दिन के लिए, तो इस तरह काफ़ी डेज़ के लिए मैं इसको सेव कर लूँगी। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा बटर है। आपको ये हमारी टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।